जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग मामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों को हम कर रहे हैं और आंकिक प्रश्न में हम आपको आज क्वेश्चन नंबर 2 हम बताने जा रहे हैं। इन सब क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से तैयार करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं। आगे कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही होते हैं, इसलिए इन सब न्यूमेरिकल को बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार करना होगा। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे मामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, आप मामना इंस्टीट्यूट के पार्ट बन जाएंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, आप वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषट्भुज, समषट्भुज के बारे में आप जानते हैं कि 6 भुजाओं वाली आकृति जिसकी 6 भुजाएं एक समान हो उसे हम समषट्भुज कहते हैं। तो चलिए हम समषट्भुज की आकृति को ज़रा देखा जाए कि समषट्भुज की आकृति कैसी होगी। ये समषट्भुज है, ये जो आकृति है ये आकृति लगभग समषट्भुज है, तो आप जो है इसको थोड़ा सा सही तरीके से बनाइएगा। तो देखें 10 सेंटीमीटर भुजा वाले ये जो समषट्भुज है ना, समषट्भुज की भुजा 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई देखिए ये है 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा की लंबाई एक समान है और यह 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलम का आवेश है। प्रत्येक शीर्ष पर देखिए यहाँ प्रत्येक जो शीर्ष है प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलम का आवेश है, तो 5 माइक्रो कूलम का आवेश यहाँ होगा, 5 माइक्रो कूलम का आवेश यहाँ भी होगा, ये 5 माइक्रो कूलम, ये 5 माइक्रो कूलम और ये 5 माइक्रो कूलम का ये आवेश है। अब देखें आपसे कह रहा है कि समषट्भुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए, यानी समषट्भुज के केंद्र पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो समषट्भुज का केंद्र क्या होता है, विकर्णों का जो कटान बिंदु होता है, समषट्भुज के विकर्णों का कटान बिंदु ही समषट्भुज का केंद्र होता है। देखिए एक विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये है और तीसरा विकर्ण ये है, इन विकर्णों का जो कटान बिंदु है इस कटान बिंदु को हम ओ मान लेते हैं, तो विकर्णों का जो कटान बिंदु है ये विकर्णों का कटान बिंदु ओ है। एक चीज हम आपको बता दें कि समषट्भुज के विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं ना तो समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है, इस पॉइंट को आप दिमाग में रखे रहिएगा। तो अगर समबाहु त्रिभुज देखिए ये भी समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, इसी तरह से जितनी भी भुजाएं होंगी सभी 10 सेंटीमीटर की हो जाएंगे।
तो आपसे केंद्र पर विभव पूछ रहा, केंद्र पर विभव क्या होगा? एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आवेश यहाँ है और दूरी यहाँ है, वही आवेश हर जगह है और हर जगह उतनी ही दूरी है। तो अगर पहले आवेश के द्वारा जितना विभव उत्पन्न होगा, पहले आवेश के द्वारा केंद्र ओ पर जितना विभव उत्पन्न होगा, दूसरे आवेश के द्वारा भी उतना ही विभव उत्पन्न होगा, तीसरे के द्वारा, चौथे के द्वारा, पांचवे के द्वारा, छठवें के द्वारा उतना ही विभव उत्पन्न होगा। तो अगर हमें संपूर्ण विभव निकालना हो तो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव का फार्मूला 1/4πε0 ये q/r होता है। तो ये तो एक आवेश के द्वारा उत्पन्न होने वाला विभव है, लेकिन जरा देखिए कितने आवेश हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आवेश हैं। तो एक आवेश के द्वारा अगर इतना विभव उत्पन्न होगा तो 6 के कारण कितना विभव होगा, इसके लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब चले जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब आपको Q की वैल्यू मालूम है और ये दिया हुआ है 5 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए 10^-6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कूलाम में हो जाएगा। और R का मतलब आवेश से बिंदु O की दूरी, तो आवेश से बिंदु O की दूरी उतनी ही होगी जितनी समषट्भुज के भुजा की लंबाई होगी। तो ये 10 सेंटीमीटर है, R के जगह पे है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर दें, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 0.1 मीटर। अब हम Q और R की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो फिर देखें v = आपको पता है कि 1/4πε0 की वैल्यू 9×10⁻⁹ और ये 6, q की वैल्यू 5×10⁻⁶ अपॉन r की वैल्यू है 0.1। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखा जाए कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो ये देखिए, ये है आपका 6×5=30 और 30 में 9 का गुणा कर देंगे तो 27,270 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखें 10⁻⁹ है, तो 9 - 6 करेंगे 3 हो जाएगा और नीचे है 0.1, तो 0.1 को हटाने के लिए ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ज़रा देखिएगा। तो 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और जीरो आ जाएगा और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार v = 2700×10³ हो गया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले एक अंक रखा जाता है, यानी दशमलव को हमें यहाँ लाना होगा और दशमलव को यहाँ लाने के लिए 1000 से भाग और 1000 से गुणा करना होगा। तो 1000 से भाग देख देंगे 2.7 हो जाएगा और 1000 यानी 10³ से गुणा कर देंगे तो 10³ पहले से ही है और 10³ आ जाएगा, तो 2.7×10⁶ वोल्ट हो जाएगा। यही सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर रहा। आपसे यही पूछा जा रहा था कि समषट्भुज के केंद्र पर विभव कितना होगा, तो समषट्भुज के केंद्र पर 2.7×10⁶ वोल्ट का विभव होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, देखिए क्या है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित का मतलब होता है स्थित। तो जरा ध्यान पूर्वक देखें, 6 सेंटीमीटर की दूरी, एक बिंदु यह A है और दूसरा जो बिंदु है, दूसरे बिंदु को हम B मान लेते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर, ये जो दूरी है
ये 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित, अवस्थित का मतलब स्थित, दो बिंदुओं ए और बी पर, देखिए 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए और बी हैं, ए और बी पर दो आवेश हैं, एक आवेश 2 माइक्रोकूलाम का है और दूसरा है -2 माइक्रोकूलाम का। तो अब एक बात आप ध्यान समझ लीजिए, यहाँ भले प्लस न दिया हो लेकिन ये दिमाग में रख रही है कि ये +2 माइक्रोकूलाम का है और ये -2 माइक्रोकूलाम का आवेश है। तो देखिए इसके ए पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि निकाय के संविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो संविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? संविभव पृष्ठ होता है कि किसी भी निकाय में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव एक समान हो, उसे ही हम संविभव पृष्ठ कहते हैं। तो चलिए अगर हम संविभव पृष्ठ देखना चाहें तो संविभव पृष्ठ इन दोनों के बीच में होगा, देखिए इन दोनों के बीच में होगा, और संविभव पृष्ठ चूंकि ये 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है और ये -2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, तो जितना विभव पहले वाले आवेश के कारण उत्पन्न होगा उतना ही विभव दूसरे वाले आवेश के कारण उत्पन्न होगा। तो पहले वाले आवेश के कारण विभव धनात्मक होगा और दूसरे वाले आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होगा, जो दोनों विभव एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो जब एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे तो ये जो संविभव पृष्ठ है, ये जो हमने खींचा है, इसके प्रत्येक बिंदु पर का विभव शून्य हो जाएगा। तो संविभव पृष्ठ उसी को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर का विभव एक समान हो, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर का विभव शून्य हो जाएगा, तो ये संविभव पृष्ठ हो जाएगा। प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा था कि निकाय के संविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो संविभव पृष्ठ जो होता है यह हमेशा वैद्युत क्षेत्र के दिशा के लंबवत होता है, ये याद रखे रहिएगा, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है। तो ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर रहा, ये संविभव पृष्ठ हो गया। और यहाँ से गुजरने वाली जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र को हमेशा हम धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ दिखाते हैं। अब इसका बी पार्ट आपसे क्या पूछा गया था? बी पार्ट में पूछा गया था कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो पहले वाले प्रश्न में हम जवाब दे दिए आपको, आपसे पूछा जा रहा था कि संविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा ए से बी के तरफ होगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक। देखिए कोई गोलीय चालक है, ये चालक है और इसकी आकृति गोलाकार है और इसकी त्रिज्या जो दी गई है ये 12 सेंटीमीटर दी गई है। इसके सेंटर को हम ओ मान लेते हैं। तो देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर, जरा देखिए पृष्ठ कहाँ होगा, तो गोलीय चालक का ये जो सरफेस, ये जो पृष्ठ देख रहे हैं यही पृष्ठ है और यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁷ का आवेश है। तो जानते हैं क्या होता है, जब किसी गोलीय चालक को हम आवेश देते हैं ना,
तो यह आवेश उस गोलीय चालक पर तुरंत एक समान रूप से फैल जाता है। गोलीय चालक की यही विशेषता होती है कि आवेश उस पर तुरंत चारों तरफ एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये जो 1.6×10⁻⁷ कूलाम का ये आवेश है, यह आवेश तुरंत चारों तरफ एक समान रूप से फैल जाता है। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है, देखिए इसमें तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला आपसे पूछा जा रहा है गोले के अंदर, ये जो गोला है इस गोले के अंदर, बी गोले के ठीक बाहर, तो गोले के ठीक बाहर माने गोले के पृष्ठ पर, और सी में क्या कह रहा है, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका क्या मतलब हुआ, गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और कह रहा है केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यह बिंदु गोले से बाहर चला जाएगा। तो कह रहा है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए जब हम आपको गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग बता रहे थे, तो गॉस के प्रयोग के अनुप्रयोग में हम गोलीय चालक के भीतर, गोलीय चालक के पृष्ठ पर और गोलीय चालक के बाहर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। तो चलिए हम वहाँ पर सिद्ध करके बताए थे कि गोलीय चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो हमेशा आप याद रखे रहिएगा, जानते हैं क्यों, क्योंकि आवेश हमेशा पृष्ठ पर होता है और जहाँ आवेश होता है वहीं वैद्युत क्षेत्र होता है। तो आवेश पृष्ठ पर होगा तो वैद्युत क्षेत्र भी पृष्ठ पर होगा, वैद्युत क्षेत्र गोले के अंदर नहीं होगा। तो किसी भी गोलीय चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, तो पहले वाले का आंसर ये है कि गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। अब हम बी पार्ट पर देखते हैं, बी पार्ट में क्या कह रहा है, गोले के ठीक बाहर, ठीक बाहर का मतलब गोले के पृष्ठ पर, गोले के ठीक बाहर का मतलब गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो देखिए गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=1/4πε₀Q/r² यही फार्मूला था। अब जरा हम सबकी वैल्यू नोट कर लेते हैं। देखिए Q की वैल्यू जो दी गई है ये 1.6×10⁻⁷ 1.6×10⁻⁷ कूलाम, और R की जो वैल्यू है ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये 12 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, आपको पता ही है 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.12 मीटर हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू रख करके हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो E=1/4πε₀ की वैल्यू 9×10⁻⁹ Q की वैल्यू 1.6×10⁻⁷ और यहाँ R का स्क्वायर है 0.14 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 0.14 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0144 हो जाएगा। और चलिए देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर 1.6 का 9 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, अगर 16 का 9 में मल्टीप्लाई करें तो 144 होगा। तो फिर डेसिमल का एक प्लेस हम ले लेंगे तो 14.4 हो जाएगा, मतलब 9 का 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.4 हो जाएगा। और ज़रा ये देखिए आप, ये 10 का पावर माइनस और ये है 9 -7, तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर 2 हो जाएगा। और फिर नीचे देखिए ये 0.0144, ज़रा ये देखिए हम दशमलव ऐसा करते हैं ना, दशमलव हम 3 अंक दाईं ओर ले जाते हैं,
तो 0.3 अंक दाईं ओर ले जाएंगे तो 10^-3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 14.4। देखिए डेसिमल को यहाँ से हम यहाँ ले जा रहे हैं, 3 प्लेस राइट साइड में ले जा रहे हैं, तो 3 प्लेस जब राइट साइड में ले जाएंगे तो 10^-3 हो जाएगा। और फिर देखें क्या मिलेगा, 14.4 से 14.4 कैंसिल हो जाएगा और 10^-3 ऊपर जाएगा, +3 हो जाएगा, तो 10^2 और 10^3, 10^ हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। तो ये बी वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसी में एक सी पार्ट है, ज़रा इस सी वाले पार्ट को हम देखते हैं कि सी वाले पार्ट में क्या कहा जा रहा है। गोले के केंद्र से, ज़रा देखिए ये गोले का केंद्र है और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो चलिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान, ये बिंदु A है और इस बिंदु A पर हम वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए आवेश तो वही होगा, बस दूरी चेंज हो जाएगी, ये 18 सेंटीमीटर है तो 18 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 0.18 मीटर हो जाएगा। और फिर सॉल्व करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो E इज इक्वल टू 9×10^9 क्योंकि वैल्यू वही 1.6×10^-7। और इसके बाद अगर आप 18 का स्क्वायर करें तो 18 का स्क्वायर तो 324 होता है, तो ये 324 लेकिन 0.4 अंक कटेगा तो ये हो जाएगा 0.0324। और फिर देखें E इज इक्वल टू, हम 1.6 में 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 14.4 और 10^ ज़रा देखिए फिर क्या मिलेगा, 9-7 तो 2 हो जाएगा। और हम यहाँ पर भी 0.2 अंक रखते हैं, तो 0.2 अंक रखने के लिए देखिए डेसिमल यहाँ से हम यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 32.4 और इनटू हो जाएगा 10^-3। अब हम ऊपर नीचे अगर हम चाहें तो 10 से गुणा कर सकते हैं तो ये 144 हो जाएगा, ये 324 हो जाएगा। अब देखें अब जो है 144 और 324 को आप कटावें तो अब इसको हम सॉल्व किए हैं तो ये 4/9 आ गया और ये 10^5 है, 4 को 9 से डिवाइड किए 0.44×10^5 हो गया। और फिर अगर हम 10 यहाँ से हटा देते हैं तो 4.4×10^4 न्यूटन पर कूलाम। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि अभी जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बताइए। फिर आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।